ये बहुत ही टेस्टी गोभी मटर की सब्जी और मिक्स तड़के वाली दाल बन के तैयार है, बहुत ही टेस्टी। इसको बनाइए, खाइए, मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, सिटी जोम ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मिक्स दाल। ये है चने की दाल, मसूर दाल, अरहर दाल, मूंग दाल, और इसके साथ आप और भी कोई भी दाल को ले सकते हैं। ये है ताज़ा हरा मटर, और ये है दो हरी मिर्च, प्याज, धनिया की पत्ती, लहसुन और एक टमाटर, एक प्याज और एक टमाटर है। सभी दालों को अच्छे से धो के साफ कर लीजिए। ये टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया पत्ती सब डालिए। अब इसमें डालिए मटर। नमक, हल्दी पाउडर, इसमें डालिए पानी। थोड़ा सा डालेंगे मिक्स सब्जी मसाला। थोड़ा सा डालिए सरसों का तेल। अब इसको पूरा पकने तक पकाइए। यह है फूल गोभी, धो के गर्म पानी से साफ किया हुआ है ये, अच्छे से इस तरह के टुकड़ों में कटा हुआ है ये। इसको लीजिए एक बर्तन में। अब डालिए इसमें थोड़ा सा बेसन। अब इसमें डालिए थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और ये थोड़ा सा गरम मसाला। और अब इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। इसी तरह से इसको बिना पानी के ही मिलाइए, ये मिल जाएगा। ये इस तरह से जो नीचे बेसन बचा है एकदम थोड़ा सा, एक चम्मच के लगभग पानी लेके सबको मिक्स कीजिए। ये इस तरह से अच्छे से मिक्स हो गया है। आप इनको फ्राई कर लेंगे। अब ये गोभी बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, निकाल लीजिए। अब इसी तरह से सभी गोभी जो बचा हुआ है इनको भी फ्राई कर लीजिए।
अब सब्जी के लिए मसाला पीसेंगे, तो ये है 2 छोटा छोटा प्याज को डालिए, यह थोड़ा सा लहसुन और 2 हरी मिर्ची। यह 1 टमाटर, गोभी फ्राई हो गया है, और इसी मसाला में डालेंगे ये 1 सूखी लाल मिर्च और सभी को पीस लेंगे। अब इसी तेल में सब्जी बनाएंगे। अब इसमें डालिए थोड़ा सा पचफोरन, ये है टुकड़ा तेज पत्ता। अब इसमें डालिए ये पिसा हुआ मसाला। अब इसी में डाल दीजिए हल्दी पाउडर। मिक्स सब्जी मसाला, डालेंगे थोड़ा सा ये ताजा हरा मटर, ये कसूरी मेथी, मसाला को अच्छे से फ्राई किया, यह थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और यह थोड़ा सा गरम मसाला। अब यह मसाला अच्छे से फ्राई हुआ है, अब इसमें डालिए ये सभी गोभी। इसी में डालिए नमक, डालिए इसमें पानी, ढक के सब्जी को पूरा पकने तक पकाइए। अभी सब्जी का और भी टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें डालिए ये 1/2 चम्मच चाट मसाला। थोड़ा सा और पकाएंगे, बस ये सब्जी बनके तैयार है। गोभी मटर की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार है। अब लगाएंगे दाल में तड़का, तो ये है सरसों तेल, ये थोड़ा सा लहसुन, जीरा, सरसों, 1 चुटकी हींग और 1 सूखी लाल मिर्च। डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता, ये सभी पक गया है, फ्लेम को ऑफ कर लीजिए और इसमें डालेंगे थोड़ा सा
थोड़ा सा एकदम एक चुटकी हल्दी पाउडर, ये जितना गरम है इसी में पक जाएगा। थोड़ा सा गरम मसाला और ये थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और ये थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाल लीजिए। ये सब इसी में पक जाएगा। डालिए ये थोड़ा सा, फ्लेम को ऑन करके एक बार उबाल देंगे हल्का सा। और ये मिक्स दाल तड़के वाली बहुत ही टेस्टी बनके तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर लीजिए।